मैं पूरे कैमरा को जानवर से भर दूंगी। ये हेलो कर रहा है सबको। चिंग चोंग चिंग चोंग। हेलो, हाउ आर यू? हेलो दोस्तों, मैं कबीर बजाज हूँ और आज मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ कुछ पपेट्स बनाने वाला हूँ। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं पपेट्स की, जैसे सॉक पपेट, फिंगर पपेट, पॉपअप पपेट, पेपर कप पपेट, बहुत सारी होती हैं वैरायटीज। पर आज हम सिर्फ पेपर कप पपेट बनाएंगे दो और एक फिंगर पपेट बनाएंगे। तो जैसे कि कबीर ने बताया, आज का वीडियो है हाउ टू मेक पेपर कप पपेट्स फॉर किड्स। आज का वीडियो तीन पार्ट्स में बनाएंगे हम। पहला पार्ट होगा फिंगर पपेट के बारे में, दूसरे पार्ट में हम पेपर कप जोकर पपेट बनाएंगे और तीसरे पार्ट में हमारे होगा पेपर कप पॉपअप डॉल पपेट। तो हम तीनों अलग अलग तरह के पपेट्स लाए हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं फिंगर पपेट बनाने से। उसके लिए हमें चाहिए एक डार्क कलर का शीट। आप इसके ऊपर एक बड़ा सा सर्कल शेप ड्रॉ करें, तो फिर एटलीस्ट इतना बड़ा चाहिए, ओवल सा शेप हो, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा कोई बात। अब हम इसकी आईज काटेंगे और उसके बाद हम आपको एक एक स्टेप करके बताते जाएंगे। दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं ताकि इसको कट कर सकें। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके और एक सर्कल काटने की बजाय हम एक साथ दोनों आईज काट लेंगे और ऐसे एक वाइट पेपर पर आईज का ब्लैक हिस्सा काटने के लिए हमने स्केच पेन से थोड़ा एरिया को ब्लैक करके रखा है। ये अब हमने दो ब्लैक सर्कल्स काट लिए हैं। हम इसको आईज की तरह ऐसे लगा देंगे। कहाँ लगानी है आईज? कहाँ लगाते हैं? यहाँ सेंटर में लगाते हैं आपके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ लगाएंगे हम इसकी आईज। ऐसे ही हम इसकी यहाँ पे दूसरी आई लगा देंगे। लगाओ नीचे नीचे। चलो ब्लैक वाला और इसका यहाँ ऊपर लगा देंगे। ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा स्पेस व्हाइट वाला भी छोड़कर। दोस्तों अब मैं ब्लैक मार्कर से इसके टेढ़ी सी फनी सी स्माइल बना। ब्लैक मार्कर से नहीं बनानी है स्माइल, लिप्स हमेशा पिंक कलर से बनते हैं, कभी भूल गया। ओके, ओ ये तो स्लीपिंग बन गई। ये तो स्लीपिंग बन गई, अब कुछ हो सकता है? ये ठीक लग रही है उल्टा। ऐसे हमने स्माइल बना दी है। अब इसको पपेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिंगर्स के लिए होल्स बनाने हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस कैप को रखकर यहाँ सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये चार सर्कल्स इस पर ड्रॉ कर लिए हैं ताकि हम इसको पपेट की तरह यूज कर सके। अब हमें इसको कट करके इसमें होल्स करना है। तो अब हमने ये सारे सर्कल्स काट लिए, हम ऐसे इसको पपेट की तरह यूज करेंगे। पर अभी इसके फाइनल टचेस बाकी हैं, तो लेट्स सी अब हमें क्या करना है। ये जो पाइप क्लीनर क्राफ्ट एक्सेसरी है, ये क्राफ्ट की शॉप पे बहुत आराम से मिल जाती है। आप इसको लेकर ऐसे हाफ फोल्ड कर देंगे। हम इसकी लेग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, और इसको चिपकाने के लिए हमें ग्लू गन की जरूरत पड़ेगी, है ना कबीर? हाँ जी। चलो कबीर रख दो फटाफट। बस 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 बस, मेरे मेरे वाले नहीं। हमारी मकड़ी तैयार है। कैसी लगी हमारी मकड़ी? हेलो, मेरा नाम है मकड़ी रानी। मिस मिसेस स्किनी लेग्स। यस, मिस स्किनी लेग्स। देखो मेरे हाथ पे सारे मकड़ी के जाले भी आ गए। मेरे हाथ के लिए होल्स थोड़े दूर हो गए। मैं पूरे कैमरा को
जानवर से भर दूंगी। हा 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 हा। ये था हमारा पहला पपेट जो सबसे इजी और सबसे कम टाइम में बन जाता है। अब हम आपको इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा अलग तरह का बनाना बताएंगे। अब हमने पेपर कप जोकर पपेट बना रहे हैं। हमें इसके लिए क्या करना है कि एक पेपर कप लेना है और उसके ऊपर हम सिर्फ डेकोरेट करने के लिए ये कुछ स्ट्रिप्स चिपका रहे हैं। हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही इसके लिए इसके साइज की कुछ स्ट्रिप्स काट कर रखी हैं। अगर आप स्ट्रिप्स नहीं लगाना चाहते तो आप कलर्ड मार्कर से, स्केच पेन से, किसी से भी कलर कर सकते हैं। तो ये हम ऑल्टरनेट करके एक पिंक, एक ग्रीन, एक पिंक, एक ग्रीन स्ट्रिप लगाते जा रहे हैं ताकि ये कलरफुल सा बॉडी बन जाए जोकर का। मुझे और कबीर को ऐसे क्राफ्ट एक्टिविटीज करना और कुछ कुछ नया ट्राई करते रहने में बहुत मजे आते हैं। अब हम इसकी फेस और हैंड्स बनाएंगे। फेस बनाने के लिए आप कोई भी कलर का राउंड सर्कल ले सकते हैं और उसको कट कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे फेस ड्रॉ करके रखा है और ये हैंड्स के लिए ऐसे ग्लव वाले हैंड्स ड्रॉ करके रखे हैं। हम इसको कट कर लेंगे। और क्योंकि ये जोकर बना रहे हैं, उसके बाल मैंने ऐसे क्लाउड की तरह यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं। मैं साथ साथ इसको कट कर लेती हूँ। जब तक कबीर इसके हैंड्स कट कर रहा है, मैं इसके हेयर इसके हेड के पीछे चिपका देती हूँ। हमने कुछ ऐसे जोकर के बाल बनाए। अब हम इस पर इसकी आईज और इसकी फनी सी नोज और स्माइल बना देते हैं। हेल्प चाहिए? ओके, बस ये सेकंड लास्ट कलर है। ओए, ये तो फनी भी लग रहा है। मेरे ख्याल से आपको इसकी ये थोड़ी रेड नोज बड़ी कर देनी चाहिए। आपको तो ये लो, तभी वो फनी लगेगा। हाँ, कैसी लगी आपको हमारी जोकर की नोज? इसके पीछे भी आ गया थोड़ा सा इसका कलर। कोई बात, हमें यहाँ पे तीन स्ट्रॉज की जरूरत है जिन्हें हम एक के साथ एक रखकर ऐसे चिपका लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बताते हैं कि ये कैसे इसके हैंड्स और कैसे इसके फेस के साथ कनेक्ट होंगी ताकि ये पपेट की तरह काम कर सके। आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों स्ट्रॉज को एक के साथ एक रखकर ऐसे ही चिपकाना है। अब ये हमारी स्ट्रॉज ऐसे तैयार हो गई हैं। हमें अब इनके लिए यहाँ पर होल क्रिएट करना है। एक तो हमें होल बनाना है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ सेंटर में, और दो होल्स हमें साइड पर करने हैं, एक इधर और एक इसके बिल्कुल सामने इधर। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रॉ को एक तरफ से ऐसे फोल्ड करके इसकी साइड से यहाँ से बाहर निकालना है ऐसे। तो ये स्ट्रॉज को कुछ इस तरह से हमें तीनों होल से बाहर निकालना है। ये बिल्कुल ऐसे स्टिल खड़ा है, मेरे को लग रहा है स्केयरक्रो है। आप लोगों को भी नहीं लग रहा? नेट ले लेंगे, उसके अंदर हे भर के उसको इसके ऊपर डाल देंगे तो बिल्कुल स्केयर को लगेगा। इसे गैप रखो कभी, बस अब हम इसको ऐसे करके चिपका लेंगे। मेरे से ग्रैप नोज के पीछे लगा है ग्लू गन। हैंड्स पे लगा दो आप, मैं चिपका। इसके हैंड्स भी कॉबवेब छोड़ रहे हैं। तो हमारा दूसरा पपेट भी तैयार है। टिंग टोंग, ये हेलो कर रहा है सबको। टिंग टोंग, इतने बड़े कि स्केयरक्रो खड़ा है मिट्टी में और वो खुद ही हवा से ऊपर नीचे हो रहा है, डांस कर रहा है ना। अब हम तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉपअप डॉल पेपर कप पपेट बनाने वाले हैं। ये पॉपअप नहीं है, ये भी पॉपअप है, बट वो एक अलग तरह का पॉपअप है। उसके लिए हमें एक कपड़ा चाहिए क्योंकि ये पॉप करके बाहर आएगी, इसलिए हमने रैंडमली थोड़ा सा बड़ा पेपर कप से थोड़ा बड़ा कपड़ा लिया, इतना लंबा हो कि इसकी सरकम इसकी पूरी चौड़ाई को कवर कर सके, ऐसे लेना है। नेक्स्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा और लेना है, वो आपको आगे आगे पता चलेगा कि किस काम के लिए है और कितना साइज होगा, वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। कबीर, अब हमने ग्लू गन ऑन करके रखी है, आपको क्या करना है, एक कॉर्नर पे लगाना है और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देना। अब जब तक ये चिपक कर सूखती है, हम क्या करते हैं, इस दूसरे कपड़े को हाफ कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये दो ऐसे हाफ हो चुके हैं। अब हमें इसको भी ऐसे ही चिपकाना है, इसको फोल्ड कर देंगे अभी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इस ड्रेस को इसकी सीधा कर लेंगे जो हमने ग्लू गन से चिपकाई है। कप को डेकोरेट भी कर सकते हैं, पर हमारा कप ब्लू कलर का था तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है,
कबीर आप प्लीज यहाँ ग्लू गन लगा दोगे, जल्दी करना है। अब हम इस ड्रेस को इसके ऐसे चिपका देंगे कप के अंदर। एक्चुअली हमने स्लीव्स बनाई हैं इस डॉल की, इसको भी हम वापस उल्टा करके। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस डॉल के हैंड्स बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने पिछले पपेट के बनाए थे। डॉल के दोनों हैंड्स बनकर तैयार हो गए हैं, अब हम इसको चिपकाएंगे। हमने जो इसके छोटे छोटे हैंड्स काटे थे पेपर से, हमारी ग्लू गन काम नहीं कर रही थी, उसकी ग्लू स्टिक खत्म हो गई थी। तो अब हमने फेविकॉल से इसके हाथ इस कपड़े में चिपका लिए हैं। गाइस देखो हमारी डॉल कह रही है कि अब प्लीज इस चैनल को लाइक कर देना। देखो ये थम्स अप करा हुआ है इसने, इसे कि लाइक कर देना चैनल को। ये लो, चलो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इस डॉल के बाल बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके इसका राउंड राउंड बनाते जाएंगे। ये इजी मेथड है ऐसे करके। अब हमने इसको ऐसे करके रोल बना लिया है, अब हम देखते हैं कि क्या ये ठीक लग रहे हैं। हाँ ठीक लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में से गांठ लगा देंगे और इनको बीच में से ऐसे कट कर देंगे। क्लिक कर दो प्लीज। यस अब गुड़िया के बाल तैयार हो गए। शमा की गुड़िया के बाल नहीं है, इसके बाल नहीं है। अब हमने इसको फेविकोल लगा के ऐसे चिपका दिया, तो हमारी गुड़िया के बाल भी तैयार हो गए। शमा की गुड़िया के और इसका फेस तैयार हो गया। अब हमें इसको पपेट की तरह काम कराना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कप के बिल्कुल नीचे होल क्रिएट करेंगे। तो ये हमने एक होल क्रिएट कर दिया, यहाँ से हम स्क्यूअर को डालेंगे और स्क्यूअर को ऐसे इसके ऊपर चिपका देंगे, कचुम्बर बना देंगे। कचुम्बर बना देंगे, यस। अब ऐसे ही हम इसके फेस को भी इसके साथ चिपका देंगे। अब हम इसके हैंड्स चिपका कर देखते हैं, अगर हमारी ग्लू गन ने थोड़ा सा साथ दे दिया तो। ये नमस्ते जी, हेलो जी, नमस्ते। ये ऐसे कर दिया, लाइक कर देना प्लीज। इसके हाथ ऐसे कर दो, हाथ ऐसे ही कर रही, प्लीज हमारा चैनल और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर। ऐसे कर दो, ऐसे लगेगा ऐसे कर दो, ऐसे नमस्ते लगेगा। चलो हमारी डॉल रेडी हो गई। हाथ तो देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखना। हेलो भीम वाली चुड़ैल है क्या? शूट नखा है, इसका नाक ही नहीं है। शूट नखा बना दी हमने, शूट नखा हंसी रहती थी ऐसे। हेलो हाउ आर यू, हेलो हेलो हेलो, डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, रे ऐसे लग रही है। देखो अब हमारे तीनों पपेट्स तैयार हैं। अब आप हमें बताओ कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा। मेरे को तो सबसे अच्छा ये जोकर लगा, नीट नीट बनाना। तो दोस्तों आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा पपेट सबसे अच्छा लगा, और आप लोग ये पपेट्स प्लीज घर पे बनाने की ट्राई करना और हमें बताना कि आपके पपेट्स कैसे काम करें। अगर आप लोगों के पास ऐसे और पपेट्स बनाने के आइडियाज हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम फिर वो भी ट्राई करेंगे। और हमारे पास इन तीन पपेट्स के अलावा बहुत सारे पपेट बनाने के और भी आइडियाज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम नए पपेट्स बनाने के लिए आपके लिए नए वीडियोस लेकर आएं। थैंक यू, बाय। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।